प्रतीक के दफ्तर में खून मिलने पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। फैसल ने खून के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और पुलिस का कहना है कि पूरी जांच होगी और जांच के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था, सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है पुलिस ताकि ये पता चल सके कि यहां पर कौन आया था। अतीक के दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान पाए गए हैं, खून के धब्बे मिले हैं, वहां पर एक कपड़ा भी मिला है जिसमें खून लगा हुआ है। पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं, अंदर रूम्स में हैं और स्टेयर्स पे हैं। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई चोर या उस तरह से कोई एंटर किया हो। और जो ब्लड स्टेन्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा, उस सैंपल को हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सर, क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर का? देखिए, वो चाकू मिला है। देखिए, वो मैं कन्फर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। सर, चाकू भी मिला है। एक सेकंड, जब आप बता रहे शीशा भी टूटा हुआ, उस पर भी ब्लड स्टेन्स आप लोगों को मिले? पीछे की तरफ एक मिरर जो है वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और उस वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं, तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करवा रहे हैं। चाकू भी मिला है, चाकू मिला है, चाकू का भी। देखिए, जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा।